सोलन एपीएमसी में मटर का व्यवसाय बेहद अच्छा रहा, किसानों को उनकी फसल के बेहद अच्छे दाम मिले हैं, ये जानकारी एपीएमसी सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि सोलन में टमाटर और मटर यहाँ के नकदी फसलें हैं, इन्हीं पर सोलन के किसानों की आर्थिकी टिकी होती है, लेकिन इस बार उन्हें अपनी फसल के मुंह मांगे दाम मिले हैं। ज्यादातर किसानों को इनाम के माध्यम से उनकी फसल का तुरंत भुगतान भी किया गया, जिसकी वजह से सोलन के किसान बेहद खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में संक्रमण मंडियों में ना फैले, इसके लिए एपीएमसी द्वारा उचित प्रबंध किए गए थे। समय समय पर मंडियों को सैनिटाइज करवाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग पर अधिक बल दिया गया, यही वजह रही कि मंडियों में कोरोना संक्रमण अपने पैर नहीं पसार पाया। एपीएमसी सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने बताया कि टमाटर मटर का व्यवसाय आरंभ होने से पहले जहां किसान कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से डरे हुए थे, वहीं प्रदेश सरकार और एपीएमसी भी किसानों के लिए बेहद चिंतित थी, जिसके लिए प्रदेश सरकार और एपीएमसी ने मिलकर रणनीति बनाई और कोविड संक्रमण के डर के बीच मंडी के व्यवसाय को प्रभावित नहीं होने दिया। यातायात की उचित व्यवस्था की गई ताकि किसान अपनी फसल बिना किसी अड़चन के मंडियों तक ला और ले जा सके। मंडियों में मांग की किसी भी तरह से कमी नहीं आने दी गई। बाहरी राज्यों से आढ़ती भी निसंकोच सोलन पहुंचे और जमकर खरीदारी की, यही वजह रही कि मटर के दामों में बेहद उछाल आया और किसानों ने जमकर व्यवसाय किया। इस बार कोविड-19 के चलते जैसे कि सभी किसान भाई डरे हुए थे, इवन एपीएमसी और हिमाचल प्रदेश कृषि बोर्ड और हिमाचल सरकार भी काफ़ी डरी हुई थी कि कोविड-19 में किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार को, अपने किसानों को और बागवानों को, जिन्होंने मटर के व्यापार को बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड का भी आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसी प्लानिंग की जिसके तहत कोविड-19 के चलते हुए भी हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में व्यापारी आए और हमारा एपीएमसी सोलन का जो बिजनेस है मटर का, पिछले साल हमारा कुल बिजनेस जो है 38,000 क्विंटल हमारे पास मटर आया था, लेकिन इस बार हमारे पास 58,000 क्विंटल मटर आ चुका है, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाला एक हमारे पास आंकड़ा है। और इसके लिए मैं अपने स्टाफ को अभी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंडी कृशोक जिला में एफपीओ को साथ में जोड़ के और वहां से ऑनलाइन उसको बेचने की कोशिश की है और ऑनलाइन मटर को बेचा गया, बल्कि किसानों के खेतों से डायरेक्ट ऑनलाइन ई नैम के माध्यम से पेमेंट की गई, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त भी मटर का बहुत अच्छे दाम किसान भाइयों को मिले और पिछला मॉडल प्राइस पिछले साल का 32 रुपये था, लेकिन इस वक्त का जो मॉडल प्राइस रहा 45 रुपीज़ रहा, जो कि 10 रुपये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सभी तभी हो रहा है जब प्लानिंग अच्छी है और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और बेखौफ होकर मंडी में अपना माल लाएँ, आपके माल के आपको उचित दाम प्राप्त होंगे। नहीं, मटर के क्षेत्र में अगर मैं सोचूं तो मैं सोचता था कि कोविड-19 के चलते बड़ी मुश्किल से हम 30,000 क्विंटल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन स्टाफ की कर्मठता के कारण और सरकार की योजनाओं के कारण ज़्यादा से ज़्यादा यहां व्यापारी आए, जिस वजह से कोविड के बीच में हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई।